नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हिमेचूरिया की प्रॉब्लम यानी आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। रिफ्लक्स है, जाहिर सी बात है, जो यूरिन का फ्लो यूरिटर में नीचे की ओर होना चाहिए वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। यूरिन रिफ्लक्स करके किडनी में पीछे की ओर जाने लगता है। ऐसा यूरिटर के भीतर जब यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री होती है उस समय बदलाव होने की वजह से होता है। आप देखिए, नॉर्मल यूरिटर कुछ यहां पर, यूरिटर की नॉर्मल स्ट्रक्चर आप देखिए और इसके वॉल्व की पोजीशन देखिए, काफी अंदर तक है। अगर ये थोड़ा ऊपर तक रहता है तो प्रॉपर वॉल्व फंक्शन नहीं कर पाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भरने लगता है और जब ये वाइडिंग की टेंडेंसी होती है तो न सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि ये पीछे भी जाने लगता है। इसी वजह से रिफ्लक्स डेवलप होता है। इसकी कई सारी ग्रेडिंग है, जैसे ग्रेड 1। ग्रेड 1 में होता क्या है कि ये यूरिटर बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में बना रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिन अभी चढ़ नहीं रहा है। ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में यह ऊपर चढ़ करके यूरिटर के बाद पेल्विस और कैलिसिस को प्रभावित करता है। वहां तक यूरिन चढ़ करके पहुंच गया, कहां तक, पेल्विस और कैलिसिस के हिस्से तक। लेकिन अभी नॉर्मल एनाटॉमी इसकी बनी हुई है, डायलेशन नहीं है। ग्रेड 3, अब धीरे धीरे यूरिटर पेल्विस और कैलिसिस इनमें दबाव मिलना शुरू हो गया क्योंकि यूरिन ज्यादा चढ़ा है, इसलिए इनमें माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन होने लगता है। इस दौरान फॉर्निसेस पर मिनिमम ब्लंटिंग मिलती है। ग्रेड 4, जिसमें अब मॉडरेट लेवल पर यूरिटर टार्चुअस होने लगता है और पेल्विस और कैलिसिस के लेवल पर भी आप डायलेशन देखते हैं। तो यहां पर अभी तक क्या था, अभी तक इससे पहले माइल्ड टू मॉडरेट था डायलेशन, अब मॉडरेट डायलेशन हो गया और टार्चुअसिटी भी यहां पर मिलने लगी है। इसके बाद डायलेशन और ज्यादा हो जाएगा और जो पैपिलरी इंप्रेशन होना चाहिए वो पूरी तरह लॉस्ट हो जाएगा। यूरिटर की टार्चुअसिटी और ज्यादा हो जाएगी, इसे ग्रेड 5 कहते हैं। अक्सर बच्चों में इस प्रॉब्लम के साथ आप प्रेजेंटेशन को देखते होंगे। हुआ क्यों, मैंने आपको बताया वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स जो होता है वो यूरिटर के नॉर्मल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने की वजह से होता है। ये देखिए अंदर तक है यूरिटर, अगर ये केवल यूरिनरी ब्लैडर के सरफेस तक हो तो इसका वाल्व अच्छे से काम नहीं कर पाता, बैक फ्लो मिलता है और बैक फ्लो होने की वजह से ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर यूरेट्रिक इम्प्लांट कर दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन लास्ट ऑप्शन होता है क्योंकि यूरेट्रिक इम्प्लांट्स में हायर फेल्योर रेट होते हैं, इसीलिए एक रिस्की प्रोसेस होती है। यहां लग रहा है कि यहां इम्प्लांटेशन कर दिया जाए तो रिफ्लक्स बंद हो जाएगा। आप समझ सकते हैं जब यूरिन का दबाव पड़ेगा तो ये क्लोज हो जाता है वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहां नहीं हो पा रहा है इसलिए चढ़ रहा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन यहां कर दिया जाए तो बात बन जाए, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि इसमें हायर फेल्योर रेट्स मिलते हैं। इसीलिए हमें सोच समझ करके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पर ध्यान देना होता है। कैसे पता चलाएगा ये रिफ्लक्स की प्रोसेस हो रही है, तो इसमें मैच्योरेशन के समय जब यूरिनरी ब्लैडर वाइड हो रहा उस समय मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम यानी MCU के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम या फिर वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम VCU की मदद से इसे पता लगाने का प्रयास करते हैं। यहां पर वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम की इमेज की मदद से अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है दिक्कत क्या है। अब देखिए ये ऊपर तक चढ़ करके जा रहा है वाइडिंग के समय, तो इस तरीके से वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम या मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम की मदद से हम इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। ग्रेडिंग क्या होगी, ग्रेडिंग कितनी होगी उसको देखते हैं। ग्रेडिंग ऑफ VUR, तो इसमें MCU की मदद से ग्रेडिंग बनाने की कोशिश की गई है और इसमें फॉलो अप पेशेंट अगर है तो उसमें रेडियो न्यूक्लियाइड
सिस्टोग्राफी की जाती है। तो ग्रेडिंग के लिए हम MCU की मदद लेते हैं, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम की मदद लेते हैं, लेकिन अगर फॉलोअप का मामला है तो रेडियो न्यूक्लियाइड सिस्टोग्राफी, तो रेडियो न्यूक्लियाइड सिस्टोग्राफी की मदद से हम पेशेंट फॉलोअप पेशेंट की कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रेडियो न्यूक्लियाइड सिस्टोग्राफी की इमेज कुछ इस तरीके से बनती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इमेज बनती है। अब VUR की ग्रेडिंग क्या क्या मिलेगी उसको देख लेते हैं, इसमें कितने ग्रेड्स मिलेंगे उसको देख लेते हैं। ग्रेड 1 से लेकर 5 तक का मामला होता है, इसमें देखना होता है कि यूरिटर में कितना डायलेशन हुआ, यूरिटर में यूरिन कहां तक पहुंचा, क्या पेल्विस तक पहुंचा है, क्या यूरिटर डायलेट हो रहा है, क्या पेल्विस डायलेट हो रहा है, कितना डायलेट हो रहा है, टॉर्चुसिटी भी कहीं नहीं आ रही है या आ रही है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो ग्रेड 1 में रिफ्लक्स लोअर पार्ट तक पहुंचता है और यूरिटर नॉन डायलेटेड रहता है। ग्रेड 2 में ऊपर तक पहुंच गया, पेल्विस तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी डायलेशन नहीं है, यानी नॉन डायलेशन, रिफ्लक्स जो है किडनी तक पहुंच गया, पेल्विस तक पहुंच गया, लेकिन डायलेशन नहीं है। ग्रेड 3 में अब माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन होने लगा है, माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन होने लगा है, और ग्रेड 4 में मॉडरेट डायलेशन होने लगा है, और इस दौरान रीनल पैपिला का अभी लॉस नहीं हुआ है, टॉर्चुसिटी भी ग्रेड 4 में स्टार्ट हो चुकी होती है। यहां इमेज में थोड़ा सा और चीज आपको समझ लेना चाहिए, टॉर्चुसिटी भी स्टार्ट हो चुकी होती है। ग्रेड 5 में आगे चलकर रीनल पैपिला का लॉस होगा और टॉर्चुसिटी और ज्यादा हो जाती है, टॉर्चुसिटी और ज्यादा हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो अगर ग्रेड वन है या ग्रेड 2 है, तो ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस दे करके हम पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ग्रेड 3 और 4 के मामलों में एज ग्रुप देखना पड़ता है, अगर 0-5 ईयर्स का बच्चा है, ग्रेड 3 और 4 का मामला है, तो हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे। 5 साल से बड़े उम्र का बेबी है, 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है, यूनिलैटरल मामला है तो भी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ही दी जाती है। अगर बायलैटरल हो जाए ग्रेड 3 और 4 और उम्र 5 साल से बड़ी हो, तब हम यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन का रिस्क लेंगे। यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन एक मुश्किल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें हायर फेल्योर रेट होने के खतरे होते हैं। ग्रेड 5 में हम यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन जल्दी करने की कोशिश करते हैं, बात समझिएगा, क्योंकि मामला ज्यादा गड़बड़ है। तो इसीलिए ग्रेड 5 में अगर 0-1 ईयर है, तो यहां पर भी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस पर ही बेबी को रखेंगे। 1-5 ईयर्स का मामला है, यूनिलैटरल है, तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे, बात समझ रहे हैं। 1-5 ईयर्स का मामला है, यूनिलैटरल है, तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे। 1-5 ईयर्स का मामला है, बाइलेटरल है, तो यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन के लिए हम सोचेंगे। और अगर 5 ईयर्स से ज्यादा उम्र का बच्चा है और यूनिलैटरल हो या बाइलेटरल हो, यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन करना होता है। तो आप बात समझिएगा, यूनिलैटरल 1-5 ईयर्स एंटीबायोटिक पर ही रखना है, चाहे ग्रेड 5 हो तो भी। जब बाइलेटरल होगा तभी हम मैच्योरेशन MCU की ऐसे एनालिसिस के बाद जब बायलेट्रल हमें पता चल रहा है, तो उस समय हम यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन की बात सोचेंगे। 5 साल से ज्यादा हो, चाहे यूनिलेट्रल हो या बायलेट्रल हो, यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन ही एक ऑप्शन बचता है।